मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले को बुलंद रख के आप लोगों ने अपनी आर्मी अग्निवीर की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। इसी आशा के साथ मैं रितु सभी आप प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यदवंशी सक्सेस पॉइंट में। तो शेर शेरनियो जय हिंद सबसे पहले, और करते हैं आज की एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट की शुरुआत, और जिसमें हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के आप लोगों के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में तहलका मचा चुके हैं और आगे के एग्जाम्स में फिर से वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान से पढ़ना है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसके अंदर आपके टॉप 15 एमसीक्यूज को लिया गया है जो अब तक के आर्मी यहाँ पे वीर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान से हौसले के साथ जज्बे के साथ इस क्वेश्चन की सीरीज को आपने करना है, क्योंकि यहीं से वर्दी पहनने की जो आपकी शुरुआत है उसकी सीढ़ियां शुरू होती हैं। तो प्यारे साथियों ये जो पीडीएफ है आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन में, फ्री पीडीएफ के कॉलम में। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए 9518151414 पर आप कॉल कर लेंगे यदि आपको समझ में ना आए। इसके साथ ही शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे आपके लिए होती है यहाँ पर जबरदस्त GKGS की धमाकेदार क्लास, जिसके अंदर भी आपको वो क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। तो चलिए मेरे दोस्तों करते हैं आगाज रण का और करते हैं यहाँ पर शुरुआत आज के क्वेश्चनों की, और आज के क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए मॉडरेट रहने वाले हैं। तो आज का लक्ष्य आपका रहेगा 15 में से कम 11 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को सही करने, और जिस बच्चे ने इससे ऊपर स्कोर कर दिया तो आपकी अब की बार वर्दी पक्की है, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः खालिस्तान में पचता है, तो मनुष्य के शरीर में भोजन का मुख्यतः पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, और हेपेटाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन मेरे लाडलो, याद रखना हेपेटाइटिस पीलिए से प्रभावित होता है हमारा यकृत भाग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा हृदय रोग यानी कि किससे ज्यादा बढ़ते हैं, तो ध्यान से लिख लेना ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है अंबाड़ा ARO के अंदर की कोलेस्ट्रॉल से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो हृदय के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा बनती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, और यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, आप लोग यदि किसी का एक का भला करेंगे तो आपको भी बेटा उसका फायदा जरूर मिलेगा, और यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो एक बार सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग है जो वायरस के द्वारा फैलता है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संभवित मच्छर के काटने से नहीं होता, यहाँ पर कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो पित्त ज्वर यहाँ पर बेटा मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार भी यहाँ पर मच्छर के काटने से होता है, लेकिन प्लेग रोग किसकी वजह से होता है, तो प्लेग रोग चूहे की वजह से होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है चाहे वो किसी भी ARO का पेपर हो, कि प्लेग के उन्मूलन के लिए हैदराबाद में किस इमारत का निर्माण करवाया था, तो हैदराबाद में जो चार मीनार बनी है ना वो चार मीनार इसी की याद में बनी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, और किसने बनवाई है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई है, इस बात को भी सभी बच्चे गांठ बांध लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, मैंने पहले ही आपको कहा है कि आज की क्लास थोड़ी सी मॉडरेट क्लास रहने वाली है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बेटा 1 से 2 क्वेश्चन हर बार
मानव शरीर से संबंधित रोगों से पूछे जाने लग रहे हैं। तो इस टॉपिक को से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बेटा एग्जाम्स के अंदर अग्निवीर के प्रीवियस ईयर में हुए हैं उनको आपने ध्यान से समझने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है मलेरिया रोग। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। एंथोफोबिया निमन का डर है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले टेस्ट के अंदर करवाया था कि हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, रेबिस से संबंधित है। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर पानी से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पर पूछा एंथोफोबिया, एंथोलॉजी किसका होता है, फूलों का अध्ययन, और एंथो मतलब फूलों का, फोबिया का मतलब डर। जिस व्यक्ति को पुष्पों से, फूलों से डर लगता है उसे एंथोफोबिया के नाम से जाना जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा फैलता है। ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है, हम यहाँ पर बेटा आज टेस्ट नंबर तीसरे को लगाने लग रहे हैं। इससे पहले दो टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर भी आपका रेबीज रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आपने अलग से हाईलाइट कर लेना है। और आपका फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटाशियम अल्पता से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जब हमारे शरीर में पोटाशियम सोडियम की कमी होती है तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारा रक्तचाप यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले ही इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि आज की क्लास आपकी थोड़ी सी मॉडरेट क्लास रहने वाली है, तो आपका लेवल थोड़ा थोड़ा अप होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने चीजों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो जब हमारे शरीर में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, हम यूरिन टेस्ट करा रहे हैं, उसमें बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बेटा किडनी के फेल होने की जो संभावना है वो बन चुकी है, हम लोगों को यहाँ पर डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर आपका दो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। काफी लड़कियां हैं जो यहाँ पर जीरो फिगर के चक्कर में रहती हैं कि हाय कभी मैं मोटी ना हो जाऊं, तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, कभी खाना खाती हैं, कभी खाना नहीं खाती हैं। इसके कारण यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, आपके गुर्दे पर प्रभाव पड़ने का। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, वेट मेंटेन रहेगा। ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है, लुकमिया एक प्रकार का कैंसर है, क्या है, ध्यान से सुनेगा कि लुकमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें सर्वाधिक यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। तो लुकमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें WBC की मात्रा बढ़ने की वजह से, यहाँ पर श्वेत रक्त कण बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे क्या पूछा गया है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया भाई, उन सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि बेटा वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि बच्चे जीके पढ़ लेते हैं लेकिन जब GS और मैथ पढ़ने की बात आती है तो ऐसे थर थर कांपने लग जाते हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट को आसान बनाया जाएगा, बस जरूरत है आपके विश्वास और साथ की। आपका बेटा यहाँ पर हीमोफीलिया क्या है, एक तरह की बेटा शाही रोग है। सबसे पहले हीमोफीलिया को किसके नाम से जाना जाता है, शाही रोग के नाम से जाना जाता है, इस बात को सभी बच्चे गांठ बांध लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर बेटा जो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है और जिसके कारण रक्त का क्या नहीं बनता है,
थक्का नहीं बनता है। यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है और उसको चोट लग जाती है तो बेटा उसका खून काफी लंबे समय तक बहता रहता है और लेकिन उसके खून का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर क्या है, एक तरह से याददाश्त का ना रहना, मतलब आप लोगों को कुछ समय पहले कौन सी घटना घटित हुई थी उसके बारे में याद ना रहना, इसको हम ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन ट्यूमर मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर ब्लड में कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है और जिसके कारण ये दिक्कत उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर दो आपका मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, पोलियो के टीके की खोज किसने की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और लास्ट में सभी बच्चों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास आपकी कैसी रही और कितने बच्चे हैं जिन्होंने बेटा आज 15 के 15 क्वेश्चंस को यहां पर पूरा लगाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो जोन्स ने यहाँ पर बेटा किसकी, जॉन साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा पोलियो का बच्चों को टीका भी लगाया जाता है और पोलियो की बच्चे को 5 साल तक की उम्र तक क्या पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी के लिए ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चे याद रखेगा। तो प्यारे साथियों ये था आज का आपका स्पेशल मॉक टेस्ट, मॉडरेट क्वेश्चंस की सीरीज थी। तो आज यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 15 में से 11 प्लस क्वेश्चनों को सही करने का स्कोर बनाया है, आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहीं पर फ्रेंड्स आपको फ्री PDF के कॉलम में सारी की सारी वो यहाँ पे क्लासेस की PDF मिलेंगी जो आप लोगों को बेटा YouTube के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, चाहे वो सुबह 6:30 बजे की क्लास हो, चाहे आपकी शाम की 7:30 बजे की क्लास हो, या फिर आपकी फ्रेंड्स 8:45 की यहाँ पर आर्मी अग्निवीर के कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF हो, हर चीज आपको अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास पर। इसके साथ ही कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9518151414, जिस पर आप सभी बच्चे अपना नंबर लिखकर भेज देंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी प्रकार की बेहतरीन सीरीज के लिए चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अगले बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद मेरे दोस्तों।